आपके पास भी डिश एंटीना होगा और आपके पास भी टीवी चैनल आप देख रहे होंगे, लेकिन आप जैसे ही हम लोग भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल देखते हैं, जैसे कि ये एंटीना भी एयरटेल का लगा हुआ है डीडी फ्रेडिस पर, और ये सुपर डिश एचडी प्लस का एंटीना जो लगा है ये लगा है यह सेट पर, लेकिन इस एलएनबी में कुछ हमने लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि दोस्तों हमें सिग्नल कम मिलता है और इसको लगाने के बाद सिग्नल हमें ज़्यादा मिलने लगता है। लेकिन दोस्तों आपको ये लगाना नहीं पड़ेगा, आपके लिए मैं लेके आया हूँ ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ विभिन्न टाइप की विभिन्न एलएनबियाँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने डिश एंटीने पर कौन सी एलएनबी लगानी चाहिए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं देश के नंबर वन डीटीएच रिलेटेड यूट्यूब चैनल साहिल फ्रीडिस पर। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे हाथ में जो ये एलएनबी है ये नॉर्मल हर एक एंटीने पर लगी होती है। इस एलएनबी का खोल मैंने निकाल दिया है जो प्लास्टिक होता है, और इस एलएनबी का जो पैकिंग होता है ये वाला होता है यूनिवर्सल सिंगल एलएनबी। 65-70 रुपए की ये एलएनबी मार्केट में होलसेल रेट में मिल जाती है, दुकानों पे 100 रुपए के आसपास में आपको दिया जाता है। ये एलएनबी 0.5 dB की होती है, तो कारण यही है कि इस पे जहाँ पे आपका सिग्नल 80% होगा तो ये एलएनबी से तो चैनल आपके चल जाएंगे लेकिन सिग्नल आपको दिखाएगा 35%, 40%, 45%। ये एलएनबी लोकल एलएनबी होती है। इस एलएनबी की खासियत बस जो आपको मैंने बताया वही होता है। अगर दोस्तों आप एलएनबी और भी अच्छी लगाना चाहते हैं, इससे अच्छी लगाना चाहते हैं, तो मेरे पास सामने कुछ एलएनबियाँ रखी हैं, मैं उनको बारी बारी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कौन सी एलएनबी कितनी रेंज की होती है, कितना सिग्नल मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास सामने आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर की, इसके साइड वाली जो एलएनबी है ब्लैक कलर की, ये एलएनबी दोस्तों डिश टीवी की है। 0.5 dB की ये भी होती है, बट क्या है दोस्तों इस पर जो सिग्नल है अच्छा आता है। जैसे कि 80% है तो 70-75 यह 60% तक सिग्नल हमें इस एलएनबी पर आसानी के साथ मिल जाता है। यह डिश टीवी का कोई भी आप जो डिश टीवी का एंटीना वगैरह लगाता हो या बेचता हो उससे आप ये वाली एलएनबी खरीद सकते हैं। बाकी इस एलएनबी से हमने कई एक बढ़िया बढ़िया सैटेलाइटों को भी टैग किया है, अच्छा इसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है इस एलएनबी का। देखिए इसका जो नॉइज है 0.5 dB है, इसका भी नॉइज 0.5 dB है, बट क्या है कि जो फिनिशिंग की बात होती है, जो टेक्निकल काम होता है, ये इसकी आईसी वगैरह अच्छी होती है तो और अच्छा होता है। ये वाला जो एलएनबी है 0.2 dB का है और ये भी डिश टीवी की एलएनबी है, और इस एलएनबी से दोस्तों आप बहुत ही, जैसे कि किसी सैटेलाइट का 10% सिग्नल आ रहा है तो आप 15-20% कर सकते हैं, या जिसका 50% आ रहा है उसका सिग्नल आप बढ़ा सकते हैं। अब ये भी एक एलएनबी है, मोनो ब्लॉक एलएनबी इसे बोलते हैं। इस एलएनबी से हमारे पास, हम डीडी फ्रेडिस पे लगाए तो सन डायरेक्ट भी आ जाएगा, वीडियो कॉन भी आ जाएगा, और बगल में डिश टीवी अगर हम करना चाहें डिश टीवी भी आ जाएगा। तो यानी हम 2-3 सैटेलाइटों को, यानी कि 7 सैटेलाइटों का सिग्नल हम इस एलएनबी से ले सकते हैं। एक ही एलएनबी से 2 सैटेलाइटों का, यानी 2 एलएनबी लगी होती है तो 7 सैटेलाइटों के जो सिग्नल हैं हमें मिल जाते हैं और 7 सैटेलाइटें हमसे यहाँ पे चल जाती हैं। तो ये रही दोस्तों सभी के सभी एलएनबियाँ, काफ़ी बेहतरीन एलएनबियाँ हैं। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो दोस्तों आप ब्लैक अल्ट्रा एलएनबी ले लीजिए, या दोस्तों ब्लैक इन्वर्टो एलएनबी ले लीजिए, या दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप वाइट इन्वर्टो एलएनबी हमारे पास अवेलेबल है, इसको बाई कर सकते हैं आप। बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल कराया जाएगा, काफ़ी अच्छी एलएनबी होती है। जहां पर सिग्नल 80% आना होता है उस एलएनबी से 90-95% आपको सिग्नल मिलेगा, यानी कि जिस सैटेलाइट का सिग्नल इन एलएनबीयों से लगभग 20% आ रहा हो या 10% आ रहा हो तो उस एलएनबी को लगाने से 30-35% इतना आपको अंतर देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की फालतू चीज़ आपको एंटीने में नहीं लगानी होगी, लेकिन अगर हाँ लगाएंगे तो और भी सिग्नल आपका बढ़ जाएगा। तो ये रही दोस्तों आज की बेहतरीन वीडियो, जहां पर मैंने आप लोगों को एलएनबीयों के बारे में, एलएनबी के सिग्नल्स के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।